हाय गाइस, स्वागत है आपका रॉयल शक्ति व्लॉग्स में। और आज आप देख रहे हैं मेरे पीछे का पूरा बैकग्राउंड चेंज हो गया है और आप देख के लग ही रहा होगा बैकग्राउंड चेंज है, तो मैं अपने जयपुर वाले घर में हूँ। सो गाइस चलिए अभी चलते हैं बाहर और बाहर जाके कुछ खाएंगे पियेंगे और थोड़े मजे करते हैं, क्योंकि भाई जयपुर में आके बहुत मजा आता है। और इसको मैंने बोला था कि मेरा बेल्ट रख ले, बेल्ट भी नहीं रखा और चड्डी भी नहीं रखी। भाई बिना चड्डी के मैं पैंट पहन के घूम रहा हूँ। मैंने बोला था कि यार मेरी एटलीस्ट दो चड्डी रख ले, मेरी चड्डी भूल गई, बेल्ट भूल गई। अब क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ बता। मुझे हर काम लड़की का नहीं होता, कभी कभी खुद को भी करना होता है। तो मेरी चड्डियाँ संभालने का जिम्मेदारी है वो आप ही की। मैंने कोई चड्डियाँ संभालने का ठीक नहीं किया। और पता है यार, पता नहीं क्या सूर्य देवता को मेरे से क्या नाराजगी है, मुझे काला करना चाहते हैं। मैं गोरा होने की इतनी कोशिश करता हूँ, अपने माथे पे डिटेन क्रीम लगा लगा के मैंने अपना माथा चमकाया है, अब जाके थोड़ा बहुत गोरा हुआ हूँ। पहले मौसम इतना अच्छा हो रहा था, जयपुर के अंदर बाढ़ आ रही थी और भाई गाड़ियां डूब रही थी। जब हम आए तो सूर्य देवता दोबारा से प्रकट हो गए। अब मेरे को दोबारा से काला करने के चक्कर में कोई बात नहीं, सूर्य देवता आपको शत शत नमन है। मैं भी आपसे हार नहीं मानूंगा, आपके सामने आके रहूंगा। अब चल ले यार, सोनम लेट क्यों कर रही है। जब मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ होता है ना, तो मुझे इलायची खाना बहुत अच्छा लगता है। कोई नहीं, इधर आजा, मैं तेरे को बाहर चल बहुत सारी चीजें खिलाऊंगा। आजा आजा आजा, खाने पीने के शौकीन। और ये देखो चीकू अपनी हवेली को ताला लगाते हुए। ये तुमने गेट सोनम पुराने टाइम के डिजाइन करवाए हुए हैं। ओह माय गॉड, तुम्हारा बैग तो बहुत सुंदर है। किसी कंपनी का है ये? रीनो का। तो गाइस जब भी मैं बाहर जाता हूँ ना, तो मुझे यार कंफर्टेबल होके जाना पसंद है। टी शर्ट पहन लेता हूँ, जीन्स पहन लिए। अब भाई मैं शूज नहीं पहन रहा हूँ, पक गया हूँ शूज पहन के, तो चप्पल पहन के चलेंगे अभी। मेरे एक टो में नेल्स है, एक में नहीं। और हाँ, जाते जाते एक अच्छी सी बात बताती जाऊँ, मुझे विनोद मिल गया। पर विनोद ने बहुत अच्छी चीजें हमें बताई है। क्या है कोरोना वायरस, जाने लक्षण, बचाव समेत सभी जरूरी बातें। बाकी आप देख लो। ये रही मेरी प्यारी स्कूटी, इससे मैं बाद में मिलूंगी। ये मेरे से मुंह फरा के बैठी हुई है ऐसे करके। गुस्सा है इधर से, है गुस्सा। कैसे मुंह कर रखा है इसने। चाबी का, गाड़ी की चाबी ये रही। मैं चलाऊंगा, तू चलाएगा। तो यार भाई बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है और गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है जिसकी कोई हद नहीं है। बैठ जा, गर्मी हो रही है यार बहुत तेज। ये देखो पूरी गाड़ी गंदी हो रखी है। ओ भाई जल गया जल गया सोनम जल गया। इतनी गर्म गाड़ी हो रही है, भगवान कसम ओवर एक्टिंग नहीं कर रहा, इतनी गर्म गाड़ी हो रही है ना। जब हम आते जब ही ऐसा क्यों होता है हमें यार। गाड़ी थोड़ा टाइम लगेगा उसको ठंडा होने में। ये भाई ये चिपकू बहुत काम आते हैं गर्मी के अंदर। और मैं आपको बताऊं, हमारी गाड़ी का भाई साइलेंसर फटा हुआ नीचे लग गया। पत्थर गाँव में ऑफ रोड ड्राइविंग करते थे, तो अभी यार ये आवाज बहुत ज्यादा करती है। नॉर्मली गाड़ी का पता नहीं चलता, वरना अगर स्टार्ट भी होती है। एक दो हमारे सब्सक्राइबर बोल रहे थे भाई इसका साइलेंसर ठीक करवा लो। भाई टाइम नहीं मिल रहा, करवाएंगे इसका साइलेंसर ही चेंज करवाएंगे, फट गया है पूरा। और आप सामने का व्यू देखो, जगतपुरा वाला फ्लाईओवर है। जयपुर के अंदर एंटर करते हैं तो लोकेशन कितनी मस्त आती है। बादल मस्त हो रहे हैं लेकिन मौसम मस्त नहीं हो रहा है। अभी मैं आपको है ना चीकू की जिम दिखाऊंगा कि चीकू किस जिम में आएगा। अभी ऐसे करके ट्रेडमिल में भागेगा। ये कह रहा है मैं बहुत मोटा हो गया, बहुत हुआ अपमान, अब चाहिए मुझे सम्मान। जाऊंगा मैं जिम, छोड़ूंगा बर्गर। दिल्ली के अंदर तो जिम ओपन नहीं है, लेकिन जयपुर के अंदर जिम सारे ओपन है। और सामने आपको दिखाई दे रहा होगा लाइफटाइम फिटनेस, यहाँ पे चीकू आएगा। अगर कोई चीकू से मिलना चाहता हो तो इसे 1 महीने बाद में कैप्चर कर सकता है। यहाँ पे आके हमारे फ्रंट में देख रहे होंगे सामने लाइफटाइम फिटनेस है, 24 आवर्स खुला रहता है, 24/7 लिखा हुआ। और बहुत अच्छा जिम है भाई। और अभी सोनम कह रही है कि मैं इधर जिम करने के लिए आऊंगी। ये कह रही थी मैं पूरी मेहनत करूंगी, लेकिन पोस्ट वर्कआउट मील के अंदर पिज्जा, बर्गर और 1-2 चीजें और खाऊंगी। गाइस मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, सीरियस मत लेना। ये काफी डेडिकेटेड हो जाती है जब वर्कआउट करती है, तो मतलब खाना बाहर का खाना पीना तो सारा छोड़ ही देती है। बादलों की कैसी स्ट्रक्चर बनी होती है ना, ये डॉगी बना हुआ, ये भालू बना हुआ, ये मगरमच्छ बना हुआ है। तो गाइस देख लो चीकू की डिमांड, आप देख लो। इसने मंगाया है यहाँ की फेमस कचौड़ी और समोसा, और मेरी भी एक कचौड़ी है भाई, मैं भी खाऊंगा। फिटनेस फ्रीक बाद में बन लेंगे, पहले भूख लग रही है, कुछ खा लेते। सोचो कुछ खाया नहीं है। मेरा चैनल खुलवाऊंगा, एक फूड चैनल, ठीक है। और मैंने उसका नाम पहले से है ना रख लिया है, खाने पीने के शौकीन। तो गाइज अगर आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, ये मटका कुल्फी वाले से हमने मटका कुल्फी ली है, जो कि सोनम की फेवरेट है। जयपुर में आके ये मटका कुल्फी यहीं पे आके खाती है। मटका कुल्फी नहीं, फालूदा है, मेरा फेवरेट है। इसके अंदर मटका कुल्फी डलती है। तो मैडम चलो भाई मैं भी खा ही लेता हूँ यार। ऐसी जगह लेकर आती है ना, मेरे से कंट्रोल नहीं होता। लाइक्रा में नहीं आता, वो नापने का इंसिडेंट है। 11 है ना, ये 22 हो गया। ये वाली चप्पल ज्यादा ठीक लग रही है मेरे को, तो ये वाला ले चुको, ये वाला बढ़िया लग रहा है। धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है, ब्लर 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 बिल्कुल। इतनी बड़ी टी शर्ट ले रही है, अच्छी लगती है। बच्चा है थोड़ा, एक साइज छोटा ले, क्योंकि लाइक रहा है खींचेगा जब तो पहनेगी इसको। थोड़ा सा लेंथ का तो नहीं रहेगा, थोड़ी कम हो जाती है, छोटा ले। पाँव में आ रहे हैं। चीकू रुको, ये पकड़ो, इतनी सारी शॉपिंग कर लिया। आज चीकू ने इतनी सारी शॉपिंग करी है, पूरी पन्नियाँ भर दी है। चीकू ने मेरे को अब की बार भी चड्डी नहीं दिलाई है। ये चीकू तुम मेरे ऊपर गुनाह बार बार क्यों करते हो बेटे? ठीक है, कल लेने आएंगे चड्डी। पक्का दिलाओगे ना? पक्का। रख दे इन सामान को पीछे रख दे। ये वाला एक्सपीरियंस ऐसा होता है नरक में से वापस आना। जब गाड़ी के अंदर आके बैठते है ना भाई, इतनी भभका मारती है। मम्मी को पाव भाजी खाने का बहुत मन था, जिससे मम्मी को खिलाने लेके आए कान्हा में। डोलिया मम्मी तो खाएंगी पाव भाजी। यार एक बात बताओ, ये तो इतना घिसा हुआ पर्स क्यों रखते हो? ये भी मैंने लास्ट टाइम मैंने गिफ्ट करा था। ये पैसा वाला पर्स है ये क्या है मम्मी? खत्म नहीं होते इसमें पैसे। मैंने दिलाया था लास्ट। तो आपके लिए तो चीकू रखी है ना। दोनों पैरों में चलना मेरे। पाव भाजी खा लो। हेलो गाइस, पाव भाजी खा लो। तो गाइस ये है इस लड़की के छोले भटूरे। यहाँ पे तो मेरी लस्सी आ गई, और लस्सी कितनी हेल्दी है इसके अंदर, मतलब बहुत अच्छे टेस्ट के लिए। ये कान्हा रेस्टोरेंट है, यहाँ पे आप आ सकते हो अपनी फैमिली के साथ में, और काफ़ी साफ़ सफाई भी है। और इस चीकू को बस कुछ नहीं देखना है, बस कमेंटों में लगा हुआ है। इसके भटूरे भी ठंडे हो रहे हैं। हेलो मैडम, भटूरे नहीं खाएगी? ये क्या करा तूने? ये देख लो इसकी ऐसे। यार मैं सच में मोटा हूँ क्या? देसी घी खिलाया मैंने इसको। मम्मी कह रही है माल खाता है ना जो इंसान, वही मोटा होता है। माँ एक माँ नहीं होती है, माँ बहुत बड़ा शब्द। सारा दिन खाना खिलाता हूँ मम्मी होती है। जयपुर में तो इधर मम्मी, और दिल्ली में उधर मम्मी। गाइस मेरा नया गाना अपडेट हो गया है। गाइस चीकू की आवाज बैठ चुकी है, इसने ज्यादा आइसक्रीम का सेवन किया है, जिस वजह से चीकू की आवाज बैठ गई है, और इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। माय अडोरेबल डार्लिंग, आई थिंक ऑफ यू एवरी नाइट मॉर्निंग। मेरा गला बहुत गंदा बैठ गया है। मैं मम्मी ओपेरा गाऊं, ओपेरा ओपेरा वो ये बोला ही नहीं जा रहा। मेरी मम्मी मेरे लिए गरम पानी लेके आई है, नमक वाला। गला बैठ गया है तो इसको पीने से ठीक हो जाएगा। इसके कोरोना आ चुका है, दिल्ली में भी खा दिए इसको वो। यार 4 महीने निकल गए, कोरोना मेरे को छू नहीं पाया। हो गए निकल गया पकड़। इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत कर रखा है इसने अपना। बाजार की चीज रोजाना खाती है। इधर तो वो बचा रहे हैं, इधर यहाँ बचा रही हूँ मैं। अरे मम्मी इतना तो मैं खाती नहीं हूँ यार। एक ब्रेड पकोड़ा से पेट भरता है क्या? सुन सुन को तो 10 अंडा का आमलेट। हाँ मेरी मम्मी ने आज सच्चाई बताई, आज मैं बताऊंगी सबको सच्चाई। 5 अंडों की खाई थी, 15 कर रहे हो, 5 अपनी तरफ से बढ़ा दिया आपने। यार 5 अंडों की ऑमलेट, और उसमें 2-3 ब्रेड लगाना, कितनी मोटी ऑमलेट बनती है। इसमें तो एक ही नहीं खाया, बाहर का खाने के चक्कर में नहीं खाया। मेरी गलती है, मुझे बदनाम मत क्या करो। गला ठीक कर चल। ये क्या कर रहा है? ये बहुत ही सॉफ्ट बॉल है। आलती पालती मार ली, अब गाला सुना दो। कुड़ी तो बड़ा शर्माती है, मुझको शर्म क्यों आती है? कातिल तेरी निगाहें हैं, काट कलेजा ले जाती है। मुझको नशा है तू बिल्कुल अफीम में। धीमे 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 ऐसा खड़ा, और यहाँ से भाग जा। भाग। अरे नहीं बाबा, मुझे माफ कर दो। भाग्या से साले गंदी आवाज से गाता है तू। यार मेरा गला बैठ गया, मैं क्या करूं? देख है ना, एक तेरे को बहुत अच्छा चुटकुला सुनाता हूँ। दूर हो। अच्छा ठीक है। दोनों आता है ऐसे करा के। एक गाड़ी आई ऐसे पलट गई, ये एक गाड़ी और आई ऐसे पलट गई, पलट जा सारी। एक गाड़ी आई ऐसे पलट गई, फिर एक और गाड़ी आई ऐसे पलट गई, फिर ये और गाड़ी आई ऐसे पलट गई, ठीक है। फिर ये गाड़ी आई ऐसे पलट गई, ये भी पलट गई और ये भी पलट गई, ठीक है। ये खड़ी है अभी तक सीधी, ये बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी है। अब इनको ऐसे कर और ऐसे बोल, अल्लाह के नाम पे 1 रुपए दे दे बाबा। सॉरी सॉरी, वो बीच वाली उंगली गलत कर दी मेरे। ऐसे हम लोग स्कूल में करते थे। मैंने ज़ारा अली खान का इंटरव्यू देखा था, उसमें कर रही थी। इधर आ, इधर आ। अरे यार ये गंदे आदमी। ले फोन ले जा, ले फोन ले जा, ले फोन ले जा। क्या किया मैंने, ये बता पहले क्या किया मैंने? यू डिड अ ग्रेट जॉब। गंदे लोग, गंदी सोच। दोनों अलग अलग कमरे में खफा खफा। आप उधर क्यों बैठी हो मम्मी?